सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ मेरी ऐसी डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैं शादी के बाद से ही काफ़ी बनाया करती थी और सबको पसंद भी आती थी, और वो है मैक्रोनी हॉटपॉट। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। जब पानी गर्म हो जाए तब मैंने उसमें 100 ग्राम मैक्रोनी को डाल दिया है और साथ में 1 टीस्पून तेल भी डाल दिया है ताकि उबलने के बाद ये आपस में चिपके नहीं। 5 से 6 मिनट में ये उबल जाएगी। ओवरकुक नहीं करना है। मैक्रोनी के लिए हमें चाहिए टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। हम इस डिश के लिए फ्रेश सॉस बनाएंगे और उसके लिए मैंने 500 ग्राम कटे हुए टमाटर को प्रेशर कुकर में उबालने के लिए चढ़ा दिया है। उसमें 1/4 कप पानी भी डालना है ताकि ये अच्छे से पक जाएं। पहली सीटी आने के बाद गैस कम करके 8 से 10 मिनट तक पकाना है। हमारे टमाटर पककर तैयार हो गए हैं। ठंडा होने के बाद इन्हें हम एक मिक्सी के जार में पीस लेंगे। ध्यान रहे कि गरम टमाटर को नहीं पीसना है। हम इन पीसे हुए टमाटर को एक छालनी की सहायता से छान लेंगे। ये हमारी एक फ्रेश टमाटो प्यूरी तैयार हो गई है। इस डिश के लिए मैंने 100 ग्राम बीन्स को भिगो दिया था। आप चाहे तो कैन वाली बीन्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में हम हमेशा फ्रेश बीन्स और फ्रेश टमाटो प्यूरी का ही इस्तेमाल करते हैं। भिगोई हुई बीन्स को हम प्रेशर कुकर में 1/2 कप टमाटो प्यूरी और 1 टीस्पून नमक और 1 ग्लास पानी डालकर उबालने के लिए चढ़ा देंगे। इन बीन्स में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इधर हम 2 टमाटर को गैस पर भूनने के लिए चढ़ा देंगे। हम इन्हें उलटते पुलटते हुए सेक लेंगे। ठंडा होने के बाद छिलकों को उतार लेना है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब एक कढ़ाई में हम 20 ग्राम मक्खन लेंगे, उसमें कटी हरी मिर्च और 100 ग्राम बारीक कटे हुए प्याज को डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। जब ये भुन जाएंगे तो उसके बाद 100 ग्राम थोड़ी लंबी कटी शिमला मिर्च और 8 से 10 कली लहसुन, जिनको कि हमने पीस लिया था, वो डालेंगे और इन्हें हल्का सा भूनेंगे। फिर बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, उसे भी थोड़ा भून लेंगे। जब ये सब भून जाएंगे तब बाकी बची हुई प्यूरी को भी डाल देना है। अब सीजनिंग के लिए इसमें हम 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अब एक बाउल में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, उसमें 1/4 कप दूध डालकर एकदम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। कॉर्नफ्लोर एकदम अच्छे से दूध में घुल जाना चाहिए। अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। 2 टेबलस्पून घर की मलाई या फिर क्रीम डालेंगे। इन्हें अब हम अच्छे से मिला लेंगे। इधर ये हमारी बीन्स भी उबलकर तैयार हो गई हैं। इन तैयार बीन्स को भी हम कढ़ाई में डालेंगे। उसके बाद उबली हुई मैक्रोनी को भी कढ़ाई में डालेंगे।
बच्चों को मैक्रोनी बहुत ही पसंद आती है। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून चीनी, 2 से 3 टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस और स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तैयार डिश को अब हम एक बाउल में डालेंगे और इसके ऊपर से चीज़ को ग्रेट करेंगे। चीज़ कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे हम ओवन में चीज़ को गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लेंगे। इस तैयार मैक्रोनी को हम ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। आप यकीन मानिए, ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती है और आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ये मेरी एक बहुत ही पुरानी रेसिपी है।